हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस साल मई तक राज्य में पहुंचने वाले टूरिस्टों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 3.5% ज्यादा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक मई की आखिर तक लगभग 32,000 विदेशी टूरिस्टों समेत 74 लाख से ज्यादा सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। वहीं पिछले साल इसी दौरान लगभग 23,000 विदेशी सैलानियों समेत लगभग 72 लाख पर्यटक आए थे, यानी करीब 3.5% बढ़ोतरी हुई है। कोविड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक जो मंदी आई थी थोड़ी, उसको हम लोगों ने, राज्य सरकार ने भी काफ़ी इस पर प्रयास करके जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे या जो कनेक्टिविटी पर काम करना था, वो बहुत सी हमने कदम उठाए थे आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में। और हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो मंदी आई थी पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद से अब हम लोग उसको अच्छी तरह से हमने रिकवर किया है। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि ठहरने के इंतजाम बेहतर होने की वजह से सैलानियों ने राज्य में ज्यादा वक्त बिताया, जिससे व्यापारियों की कमाई में इजाफा हुआ है। पर्यटन यहाँ जो आ रहे हैं, हमें जो फीडबैक मिला है होटल एसोसिएशंस, ट्रैवल एसोसिएशंस इन सब से, तो उससे हमें पता चल रहा है कि उनकी ऑक्यूपेंसी भी बहुत बढ़िया है और लोग जो आ रहे हैं वो इधर समय भी बिता रहे हैं, यानी जो नंबर ऑफ नाइट स्टे का है वो भी अच्छा चल रहा है, जिसके कारण जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा हो रहा है और उनको भी बिजनेस रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिमला को पीछे छोड़ते हुए सोलन सैलानियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। शिमला हिल स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा टूरिस्ट सोलन पहुंचे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा सैलानी कुल्लू आए और उसके बाद सोलन और शिमला पहुंचे।